सबको गुड आफ्टरनून। मैं अपर्णा प्रियदर्शनी पर्सनल लोन टीम से, एक्सिस बैंक पर्सनल लोन टीम से। अभी सुचेतना ने जैसे आपको गोल्ड लोन के बारे में बताया, गोल्ड लोन के रिक्वायरमेंट्स कैसे कस्टमर्स को हमें डिस्कस करना है, मैं ऐसे ही ब्रीफ में आपको पर्सनल लोन के बारे में आज बताना चाहूंगी कि एक्सिस बैंक में हम पर्सनल लोन कैसे कस्टमर्स को देते हैं। जब भी हम कस्टमर से डिस्कस करें तो हम किन किन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखें जिनसे। रहे और अकॉर्डिंगली हम उस कस्टमर को बताएं कि हमारे पास एक्सिस बैंक का ऑप्शन है जिससे हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में ये बताना चाहूंगी कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन सैलरीड इंडिविजुअल को देते हैं, वैसे इंडिविजुअल्स जिनकी वैसे लोग जिनकी सैलरी आती है और जिनकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है। जिनकी भी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे फॉर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन एक प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए, एक समय के लिए लोन लिया जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट लोन लिया जाता है। उसके बाद पर्सनल लोन ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको कोई भी कोलैटरल, कोई भी गारंटर, कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी सैलरी, आप किस कंपनी में काम करते हो, आपकी कितनी इनकम है, उस बेसिस पे जज होता है कि आपको कितना लोन अमाउंट दिया जा सकता है या कितना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसमें कोई भी गारंटर या किसी भी कोलैटरल्स की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। पर्सनल लोन आपको एक इमरजेंसी लोन की तरह आप ले सकते हो। अगर आपको तुरंत में फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर तुरंत में आपको फंड्स चाहिए, चाहे किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, इसके लिए कोई पर्पस फिक्स नहीं है, किसी भी पर्पस के लिए अगर आपको इमीडिएट फंड्स चाहिए तो वो आप पर्सनल लोन से ले सकते हो। पर्सनल लोन एक सही ऑप्शन होगा। एक्सिस बैंक में हम पर्सनल लोन जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो 50,000 होता है। 50,000 से लेके 40 लाख तक का पर्सनल लोन एक्सिस बैंक में दिया जाता है। अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी में हो, कितनी सैलरी है, आपका सिबिल क्या है, कुछ कुछ पैरामीटर्स को चेक करते हुए लोन अमाउंट और आरओआई डिस्कस होता है। फिर इसके आगे हम आते हैं कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन में क्या अच्छा है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन जितने भी एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन ब्रांचेज हैं उन सारे में अवेलेबल है। अगर आप कनेक्ट करते हो, कस्टमर कनेक्ट करते हैं तो उनको पता चल जाएगा। आपके लिए भी वो कोई भी, अगर एक्सिस बैंक का कोई भी ब्रांच है वहां से पर्सनल लोन प्रोसेस होता है। कोई जो कुछ प्रेफर्ड कस्टमर्स होते हैं जिनका ऑलरेडी एक्सिस बैंक में अकाउंट होता है, जो हमारे डेटाबेसेस में होते हैं, उनको एक्सिस बैंक जल्द उनको लोन जल्दी भी मिलता है। वो ऑलरेडी प्री अप्रूव लोन्स में आते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी हमारे साथ रिलेशन है, उनकी सैलरी अकाउंट हमारे साथ है। वैसे केसेस में बहुत जल्दी इनका लोन प्रोसेस भी हो जाता है। क्योंकि मैंने बोला क्योंकि एक इमरजेंसी लोन है तो हम बहुत जल्दी इसके प्रोसेस, इसका टैग बहुत हाई रखते हैं कि कोई भी लीड्स अगर आती है उसका कन्वर्जन हाई हो, कस्टमर से कनेक्ट हो। जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसमें है नहीं, बेसिक कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिलते ही चेक प्रोसेस किया जाता है आगे। इसमें एक ऑप्शन हमारे साथ ये भी है कि अगर कोई एक्सिस बैंक से किसी का ऑलरेडी दूसरे बैंक में पर्सनल लोन चल रहा हो, एक्सिस बैंक ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो आप उस बैंक से अपना लोन ट्रांसफर करके पर्सनल लोन एक्सिस बैंक में ला सकते हो। इसको हम लोग एक्सिस बैंक बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं कि जो भी उन्होंने लोन किसी और बैंक से लिया, पर्सनल लोन किसी और बैंक से लिया है, आपके कोई कस्टमर हैं या जानकार हैं जो ऑलरेडी जिनका पर्सनल लोन किसी दूसरे बैंक में चल रहा है और आपको लगता है कि अगर उनका एक्सिस बैंक में आ जाता है तो उनके लिए सही होगा, तो आप उनको ये पिच कर सकते हो कि आपने पर्सनल लोन दूसरे बैंक से ले लिया है बट आप उसको ट्रांसफर एक्सिस बैंक में भी कर सकते हो। ये भी ऑप्शन हमारे पास एक्सिस बैंक में अवेलेबल है। प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में जिसमें हम जानेंगे कि एक्सिस बैंक प्रोडक्ट में क्या क्या है। एक्सिस बैंक में जैसा मैंने आपको सबसे पहला कहा, जो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कभी भी पर्सनल लोन के बारे में बात करते समय, कि जो कस्टमर होंगे, जो भी इंडिविजुअल है जिनको हम देना चाहते हैं पर्सनल लोन, वो सैलरीड होने चाहिए, सैलरी उनकी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि एक अनसिक्योर्ड लोन है इसमें हमें कोई भी कोलेटरल या कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है,
हम पर्सनल लोन, इसमें एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं और उतना हमारे लिए जरूरी होता है। हमें कोई भी सिक्योरिटी पर्सन, कोई भी सिक्योरिटी गारंटर या कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन में मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। मिनिमम अमाउंट जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 से लेके हम 40 लाख तक के लोन्स देते हैं। उसके बाद एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है और एक फिक्स रीपेमेंट पीरियड होता है कि इतने समय में ये लोन रीपे करना है। रीपेमेंट के बारे में अगर हम बात करें, अगर किसी का ये सवाल हो कि क्या एक फिक्स टेन्योर 2 साल या 5 साल के लिए किसी ने लोन लिया तो 2 और 5 साल के लिए रहना है, या अगर कोई पहले चाहे तो उसको क्लोज करा सकता है, ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। पार्ट प्री पेमेंट और फोर क्लोजर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके चार्जेस लगते हैं, उसके एक चार्जेस 2 to 5% चार्ज है, जो भी उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो भी अमाउंट बचा हुआ है उस पर लगता है, और वो लोन पहले भी टाइम से पहले भी क्लोज कर सकते हैं। रीपेमेंट जो है इसका मंथली ईएमआई बेसिस पे होता है। इसे जो भी कस्टमर हमारा किसी पार्टनरशिप या प्रोपराइटर फॉर्म में काम करते हैं, हम उनको ये लोन नहीं दे सकते। जो भी किसी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड में वर्क कर रहे हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो प्राइवेट में, हम उनको ये पर्सनल लोन दे सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट होगी कि वो पर्सनल लोन लेगा। पर्सनल लोन किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए लिया जा सकता है। कोई भी इमरजेंसी फंड, अगर कोई अभी हमारा बीमार है, हमें हॉस्पिटलाइज करना है, डॉक्टर को दिखाना है, हम उसके लिए ले सकते हैं। अगर हमें छुट्टियों पे कहीं बाहर जाना है, किसी कस्टमर ने कोई प्लान बनाया है उसे घूमने जाना है, ये घूमने जाने के लिए भी, हॉलीडेज मनाने के लिए भी पर्सनल लोन लिया जा सकता है। हाउस के रेनोवेशन के लिए लिया जा सकता है। बहुत सारे वेडिंग्स, पार्टी, फंक्शंस होते हैं, लोगों को फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, उन तरह के एक्सपेंसेस के लिए भी बिना किसी कोलैटरल, बिना किसी सिक्योरिटी के हम पर्सनल लोन दे सकते हैं। पर्सनल लोन लिया जा सकता है वेडिंग एक्सपेंसेस के लिए, कोई भी फैमिली फंक्शन एक्सपेंसेस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए भी। अगर किसी को लोन चाहिए तो हम वो पर्सनल लोन भी यूज कर सकता है। किसी को कोई असेट खरीदना है, किसी को फ्रिज लेना है, किसी को वॉशिंग मशीन लेनी है, या किसी को कोई घर का बड़ा चीज, मोबाइल या कुछ ऐसा टैब, कुछ भी अगर यूज करना है कस्टमर को, उसको लेना है और वो एक वो उसको लोन लेके लेना है, वो पर्सनल लोन के इस्तेमाल से ये सारी चीजें कर सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई भी पर्सनल एक्सपेंस, कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। अब हम जानना, बस ये एक हम बेसिक देखना चाहेंगे कि कैसे कस्टमर हो जिनसे हम कनेक्ट करें, जिनसे हमारी लीड आए, जिनसे हम उनको कस्टमर, अगर हम उनके लिए लीड जनरेट करते हैं तो वो लीड कन्वर्ट हो। हम कुछ कुछ बेसिक पैरामीटर्स चेक करेंगे। पहला कि कस्टमर इंटरेस्टेड हो, उनको किसी तरीके की रिक्वायरमेंट हो फंड्स की तुरंत में, ताकि वो लोन ले सक ताकि वो लोन लेने में इंटरेस्टेड हो। तो अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है, उनको इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो पर्सनल लोन लेने में इंटरेस्टेड है, तो हम ऐसे कस्टमर से डिस्कस करेंगे। कस्टमर कॉन्टैक्टेबिलिटी हम देखेंगे कि कस्टमर से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स हमारे पास हो, ताकि जब आप लीड जनरेट करो, जब आप हमें कस्टमर बताओ कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, हमारे जितने भी रिसोर्स हैं, ब्रांच रिसोर्स, वो जाके कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट यही है कि कस्टमर सैलरीड होना चाहिए, सैलरी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। एज क्राइटेरिया में हमारा एज क्राइटेरिया है 21 ईयर्स टू 60 ईयर्स, 60 ईयर्स एट द टाइम ऑफ लोन क्लोजर। जब भी लोन क्लोज हो द मैक्सिमम एज कैन बी 60। अगर किसी ने 57 ईयर्स पे लोन लिया है, उसे 3 साल का लोन मिल सकता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लोन क्लोजर उनका एज 60 होना चाहिए। अगर किसी ने 5 ईयर्स का लोन लिया है, तो द मैक्सिमम एज ऑफ दैट पर्सन, उस इंसान का मैक्सिमम एज 55 ईयर्स हो सकता है, ताकि जब तक उनका लोन क्लोज हो उनकी सैलरी 60 ईयर्स हो। तीसरा, उस इंसान का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस, काम करते हुए एक्सपीरियंस उनका 12 महीने का होना चाहिए। 12 महीने का मिनिमम एक्सपीरियंस अगर उनका है, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, इस बैंक में पर्सनल लोन हम उनको प्रोसेस कर सकते हैं। कस्टमर का सैलरी, अगर कस्टमर किसी तरीके से हमारे साथ रिलेटेड है, अगर उनकी सैलरी अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट हमारे पास है, तो उनकी सैलरी अगर 15,000 है तो भी हम उनको पर्सनल लोन दे सकते हैं। अगर उनका कोई रिलेशन एक्सिस के साथ नहीं है, द कस्टमर वो जो कस्टमर है वो न्यू है हमारे बैंक के लिए,
मिनिमम सैलरी हम जो है उनसे 35,000 एक्सपेक्ट करते हैं। इन सब केसेस ये इससे भी लो है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर इन जनरल केसेस मिनिमम 15,000 सैलरी अगर कस्टमर का कोई हमारे साथ रिलेशन है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब 35। इसके आगे बढ़ते हुए किस किस तरह के पर्सनल लोन्स लिए जा सकते हैं? एक ऐसा कस्टमर जिसने कभी पर्सनल लोन लिया नहीं, जिसे पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, वो पर्सनल लोन ले सकता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं टॉप 3 स्कोर के फ्रेश लोन की, कस्टमर का कोई भी कस्टमर जो है उसका कोई भी लोन नहीं, उसका कोई भी पर्सनल लोन या लोन नहीं चल रहा है ना हमारे यहाँ ना किसी दूसरे बैंक में, और वो लोन ले रहा है, उसे हम कहेंगे फ्रेश लोन, नया लोन ले रहा है वो। एक कस्टमर जिसका एक लोन ऑलरेडी चल रहा है, एक्सिस बैंक में ही चल रहा है, मान लीजिए 7 लाख का लोन चल रहा है और वो कस्टमर इंटरेस्टेड है, उसे और 3 लाख की रिक्वायरमेंट है और उसने वो एक लोन 1 साल पहले 6 महीने पहले लिया है, तो हम दोबारा से उस कस्टमर के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं कि ये कस्टमर पहले से पर्सनल लोन लिया हुआ है, इसके पास ऑलरेडी 7 लाख का लोन चल रहा है, एक्सिस बैंक से ही लोन चल रहा है और वो कस्टमर इंटरेस्टेड है और थोड़ा लोन लेने के लिए, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंगली उनको टॉप अप लोन मिलेगा। तीसरा फिर होता है पैरेलल लोन। पैरेलल लोन में जहाँ पे कस्टमर का एक पर्सनल लोन चल रहा है और वो दूसरा पर्सनल लोन लेना चाहता है, तो जब उनका एक पर्सनल लोन चल रहा है एट द सेम टाइम वो दूसरा पर्सनल लोन ले सकते हैं, इसको हम पैरेलल लोन कहेंगे और उनकी 2 EMIs चलेगी उस बेसिस पे। तीसरा, चौथा, जैसा मैंने आपको बताया है बैलेंस ट्रांसफर, कि कस्टमर किसी दूसरे बैंक दूसरे फाइनेंसर से उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है पर्सनल लोन और वो चाहते हैं कि वो बदल के एक्सिस बैंक में ले ले, तो भले उनका पर्सनल लोन पहले से कहीं चल रहा है, EMI दे रहे हैं, वो वहाँ क्लोज करके एक्सिस बैंक में भी फिर से बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं और उनका पर्सनल लोन फिर एक्सिस बैंक से चलने लगेगा। बेसिक मैंने हमारे पास क्वेश्चन आए थे कि कुछ क्वेश्चन थे, क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक्सिस बैंक के लिए, एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के लिए? तो जैसे मैंने आपको कहा कि पर्सनल लोन बहुत वैसा नहीं, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती, हमें बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ही चाहिए। तो हमारा इसमें जो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो कस्टमर के पास होने चाहिए जब हम उनके लिए लोन अप्लाई करते हैं, वो है कि उनके 2 मंथ्स या वेरिएबल पे के टाइम पे 3 मंथ्स सैलरी स्लिप उनकी हमारे पास होनी चाहिए, उनका 2 महीने का लास्ट 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो ब्रांचेस में मिल जाते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, उनके पास उनके पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और बेसिक KYC डिटेल्स जो भी बैंक के चेकलिस्ट के लिए ज़रूरी होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स उनके पास, KYC डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सबके पास, वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके फोटोज, उनके बैंक स्टेटमेंट और उनका सैलरी स्लिप, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो हमें ज़रूरी होती है एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। इसमें आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी जो बहुत बेनिफिशियल होगा, और हम अपने कस्टमर से जब डिस्कस करें, अगर हम किसी रूरल एरिया में कस्टमर से डिस्कस कर रहे हैं, किसी ऐसे से डिस्कस कर रहे हैं जिनकी सैलरी हमें लगता है कम है, जिनकी रिक्वायरमेंट भी कम है, सबको 50,000 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या जिनको हमें लगता है कि थोड़े समय के लिए जिनको लोन चाहिए, हम वैसे कस्टमर्स को भी केटर करते हैं, उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम है स्मॉल टिकट पर्सनल लोन। इसमें हम जो न्यू टू द बैंक कस्टमर है उनकी भी सैलरी अगर 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में है तो भी हम उनको देते हैं, वो अगर गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है और अच्छे प्राइवेट बैंक में है तो भी उनको ये लोन मिल सकता है। इसके लिए उनकी सैलरी 15,000 to 20,000 के बीच होनी चाहिए, उनका एज 21 होना चाहिए, मिनिमम एज इज 21, यहाँ मैक्सिमम एज की कैपिंग है कि मैक्सिमम एज उनकी 40 होनी चाहिए जब लोन उनका क्लोज हो। जैसे हमने पहले बोला था कि 40 लाख तक के लोन के लिए उनकी सैलरी, उनकी एज 60 होनी चाहिए, यहाँ पे उनका एज लिमिट थोड़ा कम करके हमने 40 रखा है कि 21 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में अगर कोई कस्टमर है जिसका कोई रिलेशन नहीं है एक्सिस बैंक से, वो न्यू है एक्सिस बैंक के लिए, उसकी सैलरी 15,000 20,000 है, अगर उसका सिविल कोई स्कोर है तो 15,000 नहीं है तो 20,000 हमें लगता है पर मंथ उनका जो सैलरी होनी चाहिए, सैलरी मतलब उनके इनहैंड सैलरी जो उनको मिलती है वो सैलरी होनी चाहिए, तो हम उनको 2 1 ईयर से 3 ईयर्स तक ये लोन दे सकते हैं। जो अमाउंट हम ऑफर करते हैं वो 25,000 से 1.5 लाख होता है, तो अगर किसी को
1.5 लाख के लोन की जरूरत है, उनकी सैलरी 20-22 थाउजेंड 25 थाउजेंड रुपीज है, उनकी एज 21 से 40 के बीच में है, तो भी हम उनको एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन दे सकते हैं। ये हमारे बेसिक बेसिक पर्सनल लोन के बारे में है हमारा। मैं आपको एक बार बस इसका गो थ्रू दे देना चाहूंगी, ब्रीफ समरी। हम एक्सिस बैंक सैलरीड कस्टमर को देते हैं, हम एक्सिस सैलरीड कस्टमर जिनकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, हम वैसे कस्टमर्स को देते हैं जिनका 1 ईयर कंप्लीट हो गया हो वर्किंग। नॉट जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में 1 साल पूरा हुआ, उनका ओवरऑल वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का कम से कम पूरा हो गया हो। उनकी सैलरी 15,000 अगर 15,000 एंड अबव होनी चाहिए। उनको एक इन नॉर्मल केसेस 50,000 देते हैं। स्मॉल टिकट पर्सनल लोन के बारे में अगर हम बात करें तो हम उनको 25,000 से 1.5 लाख तक का भी लोन देते हैं। एज क्राइटेरिया और टेन्योर, रिपेमेंट टेन्योर 3 साल तक का होता है मैक्सिमम यहाँ पे, और एज क्राइटेरिया इनकी 40 ईयर्स तक की होती है। इसके बाद कस्टमर किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए पर्सनल लोन ले सकता है, फोरक्लोज कर सकता है। फोरक्लोज के चार्जेस अलग है। जब आप लोन लेते हो, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5 से लेके 22% तक रेंज करता है। किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, लोकेशन क्या है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। आपका आरओआई 10.5 से लेके 22% तक का रेंज है जिसमें पर्सनल लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके साथ एक पीएफ कटता है, प्रोसेसिंग फी, जो कि अलग अलग जो वो भी जैसे आरओआई डिपेंड करता है उस तरह से आपका पीएफ भी डिपेंड करता है। इन रेंज ऑफ वो 1.5 to 2% आपका, 1.5 से 2% पीएफ आपका होता है। ये एक पीएफ है जो आपका एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट कट होता है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे मैंने बताया कि आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे कस्टमर का, जब भी आप कस्टमर से डिस्कस करें आप चेक कर लेंगे उनके पास उनके बेसिक केवाईसी डिटेल्स हैं, उनके पास उनकी सैलरी स्लिप है लास्ट 3 मंथ्स की, बैंक स्टेटमेंट हो 2 महीने का, उनके पासपोर्ट साइज फोटो, अगर ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उनका, तो इसके अलावा हमें कोई कोलैटरल नहीं लगता एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। और इसके अलावा हमारा कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई मतलब आई अज्यूम कि मैंने जो भी समझाया वो आपको समझ में आया हो, मैं आपके पॉइंट्स को रिजॉल्व कर पाई हूँ दीक्षांत।